ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, कलर भी दे दिया जाता है और आपका वेव भी दे दिया जाता है, रंग भी दे दिया जाता है। प्रकाश के किस रंग या तरंग की ऊर्जा सबसे अधिक होगी? सबसे पहले जो मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ वो समझो, ऑप्शन इस तरीके से आपको दिया होगा, याद रखना किसी भी वेव हो या कलर हो, ठीक है, जो आपका एनर्जी जो होता है आपको याद रखेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के, मतलब वेवलेंथ के, ठीक है, और एनर्जी जो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है आपका आवृत्ति का, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी का। तो अगर किसी वेव का, ठीक है, एनर्जी हम ज़्यादा है बोलते हैं, मतलब क्या, उसका वेवलेंथ कम होगा और उसका आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ये कंसेप्ट आप याद रखना, और ये कहाँ से आता है इसको हम कभी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे वेव के साथ कि किस तरीके से चीज़ें आती है, बट अभी के लिए आपको बस इतना ये चीज़ आपको याद रखना है कि एनर्जी का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेवलेंथ के साथ। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, प्रकाश की किस रंग की ऊर्जा में सबसे अधिक होती है? यहाँ रंग का बात बोला है। अब देखो, आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा रंग वेवलेंथ होता है वो किस रंग का होता है? वो होता है आपका लाल का, मतलब क्या हो गया, इसका एनर्जी सबसे कम होगा। उसी प्रकार सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो वो होता है आपका बैंगनी का, तो मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से अगर वेव दिया हो, गामा रे दिया हो, एक्सरे दिया हो, यूवी दिया हो, वाइल विजिबल लाइट दिया हो या इन्फ्रा दिया हो, आपको पता है कि जो गामा रे जो होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा अगर वेव दिया हो तो हो जाएगा आपका गामा।